Hello everybody, welcome back. Aaj ki is video mein I'm going to demonstrate and I'm going to show you some of the platforms jo maine istemal kiye throughout these years so that you can not only take a look at them, maybe create an account on these platform aur iski wajah se aap apna ek naya skill jo aapke paas already maujood hai aap istemal karke dikha sakte hain logon ko. देखें जब तक आप अपनी स्किल को लोगों के सामने रखेंगे नहीं, नो वन वुड फाइंड आउट कि आपको क्या करना आता है। इसी तरीके से एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर आपने एक दुकान खोलनी है फॉर एग्जांपल, राइट, तो आप एक दुकान खोलेंगे तो लोग आएंगे। अगर आप बैठे रहेंगे तो कोई आपके पास नहीं आएगा बिकॉज उनको पता ही नहीं है कि आप कौन हैं, आप क्या जानते हैं, आपके पास क्या स्किल है। तो इसके लिए एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म जो बड़ा कॉमन प्लेटफॉर्म है और ऑलरेडी आप शायद इस पर मौजूद हों, उसको कहते हैं अपवर्क। तो मैं आपको आज दिखाऊंगा कि मैंने अपवर्क पे किस तरह अकाउंट बनाया और किस तरीके से उसको यूज़ किया एज अ स्टेपिंग स्टोन। अच्छा, तो यू डोंट हैव टू लाइक वरी अबाउट गोइंग ऑल ओवर द प्लेस, यू कैन फोकस ऑन वन पर्टिकुलर थिंग फर्स्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ आप इस प्लेटफॉर्म पे लगाएं, आप अपना प्रोफाइल को बिल्ड करें, बिकॉज जब भी कोई आपको देखता है या आपसे पूछता है तो वो आपकी तरफ देखता है तो क्या देख रहा है, वो देख रहा है यार इस बंदे को आता क्या है, इसकी स्किल्स क्या हैं, इसकी एक्सपर्टीज़ क्या हैं, इसने कौन से प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। और यही चीज़ फिर अलाउ करती है उस इंडिविजुअल को कि आपसे वो चीज़ खरीदे, अदरवाइज तो दे डोंट नो यू। तो क्रिएट एन अकाउंट ऑन upwork.com और आपको मैं अपना भी अकाउंट दिखाऊंगा एंड आपको दिखाऊंगा अर्निंग्स क्या हैं मेरी, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। ऑल आपने करना ये है कि अपना आप स्किल सेट पोर्टफोलियो बनाएँ। आप अपनी पहली जॉब लेंगे, जाहिर बात है मैंने भी जब ये अकाउंट बनाया तो पहली जॉब मिली तो अगली जॉब्स मिलती हैं, राइट। और ये एक्टिव इनकम है, इसका मतलब ये है कि आपने इसमें थोड़ा सा काम करना है। आपको कोई जॉब मिलेगी तो आपने काम करना है। द मिस्टेक्स जो इसमें लोग करते हैं, बड़ी कॉमन मिस्टेक्स हैं, वो ये है कि आपको जॉब मिल गई तो आप अव्वल तो खुश होते हैं कि आपको काम मिल गया, अच्छी बात है, लेकिन फिर आप क्या करते हैं, आप जब डिलीवर करते हैं ना, जब उस जॉब को कंप्लीट करते हैं तो आप उसमें उतना फोकस, उतनी एफर्ट नहीं डालते जितनी वो जॉब रिक्वायर कर रही है। बल्कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं कोई भी काम तो आपको करना क्या चाहिए, आपको करना ये चाहिए कि आप उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालें, जो लोग नहीं करते। बिकॉज हमारे जो मेन कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, हम चाहते हैं कि बस काम मिल गया, हमने काम कर लिया और दैट्स इट। शॉर्टकट्स मार लिए, कुछ इधर से कट किया, पेस्ट किया, इधर से कॉपी किया, छापा मारा और हमने काम फिनिश कर लिया। ऐसा नहीं है। ऐसा करेंगे तो आपकी जो ये ऑनलाइन बिजनेस एंटरप्रेन्योर, ये शॉर्ट लिव्ड हो जाएगा, यानी कि छोटा हो जाएगा काम, आप जल्दी फारिग हो जाएंगे। और आपने देखा होगा बहुत सारी दुनिया आती है अपवर्क पे और काम करते हैं और प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन फिर वो कंसिस्टेंट नहीं रहते, उनको अगला काम नहीं मिलता, उनके रिव्यूज़ अच्छे नहीं आते। तो इसीलिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मेहनत तो करनी है, वो तो हर काम में करनी है। आप दुकान भी खोलेंगे तो मेहनत करेंगे ना, आप सुबह जाते हैं रात तक बैठे रहते हैं दुकान पर, यू नो। तो इस वजह से आपने ये काम भी जो करना है ऑनलाइन, इन प्रोजेक्ट्स के साथ भी उतनी ही मेहनत करनी है। बल्कि मेरी जो रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपने पहले जो जॉब आपको मिलेगी, और मैं आपको बताऊंगा अगर आप एंड तक वीडियो देखेंगे तो आई विल टेल यू कि पहली जॉब कैसे लेनी है, ठीक है। तो जो पहली जॉब आपको मिलेगी और वो एक ऑफ कोर्स टास्क होगी, उसमें आपको बताया जाएगा आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या डिलीवरेबल्स आपने देने हैं। तो जब आप वो सारी चीज़ें कर लें टास्क में तो फिर ये सोचें कि इसको मैं अब अच्छा कैसे कर सकता हूँ मज़ीद, इसमें मैं क्या एक एक्स्ट्रा चीज़ छोटी सी और डाल सकता हूँ, जो कि आपको मे बी 10 मिनट और लग जाएंगे काम में, या 15 मिनट लग जाएंगे, आधा घंटा लग जाएगा। तो गिव दैट टू दैट क्लाइंट, ठीक है। तो जैसे ही आप वो एक्स्ट्रा एडेड वैल्यू देंगे, जस्ट दैट लिटिल थिंग, आपको तो बड़ी छोटी सी चीज़ लगेगी कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा चीज़, बट ट्रस्ट मी, ये क्लाइंट की साइड से जब उसको ये रिसीव होगा डिलीवरेबल, और वो एडिशनल टिप भी आप जो देंगे, एडिशनल काम जो आप करके देंगे, उसको वो बहुत पॉजिटिवली लेगा। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी ऐसा ही है, जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं उनमें हमेशा एज अ रूल, अब तो ये आदत ही बन गई कि एज अ रूल आई ऑलवेज ओवर डिलीवर जस्ट अ लिटिल बिट, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो जस्ट गिव एडिशनल वैल्यू, जैसे ही आप वैल्यू देंगे वो क्लाइंट आपका फॉर लाइफ है। और इसी तरीके से मेरे जो पुराने क्लाइंट्स हैं वो आज भी चल रहे हैं। because I always deliver that additional extra mile. I go, you know, जिसको कहते हैं एक मील और चले जाना किसी क्लाइंट के लिए उर्दू में, ठीक है। तो अकाउंट बनाएं अपना Upwork पे और प्रोफाइल क्रिएट करें अपनी, जो स्किल्स हैं आपके पास। मेक श्योर आप वो करें जो आपके पास स्किल्स हैं, ठीक है। जो नहीं है वो ज़रूरत नहीं है करने की, बिकॉज क्लाइंट को फ़ौरन पता लग जाएगा आप जब डिलीवर करेंगे कि यार इसको नहीं काम आता, ठीक है। तो एज सून एज यू डू दिस आप अपनी जॉब पोस्ट करेंगे। अब हाउ टू गेट द फर्स्ट क्लाइंट, ठीक है। दिस वॉज द टिप जो मैंने कहा था कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको मैं टिप दूंगा। ये मेरा जो पहला क्लाइंट आया, जैसे ही मैंने Upwork पे प्रोफाइल बनाया, अपनी स्किल्स को डिस्प्ले किया, अपने प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले किया। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आर्टिकल राइटर हूँ या मैं कोर्स क्रिएटर हूँ या मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, जो भी मेरी स्किल्स, वो मैंने जैसी सबमिट की, फिर मैंने अपनी इस प्रोफाइल को शेयर करना शुरू किया। कहाँ पे शेयर किया? ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे। आप देखें, आप सोशल मीडिया पे सारा दिन मौजूद हैं, फेसबुक पे मौजूद हैं, आप स्नैपचैट पे मौजूद हैं, आप इंस्टाग्राम पे मौजूद हैं, आप पिंटरेस्ट पे मौजूद हैं और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो जैसे ही आपने प्रमोट शुरू किया करना अपने आप को थोड़ा सा, एंड पीपल आर लुकिंग फॉर दो स्किल्स। लोगों को काम चाहिए, काम बहुत है, हम थोड़े हैं, ठीक है। और हमें लगता है कि काम नहीं है, हम बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है। वो अंग्रेजी में कहावत है ना कि देयर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप। तो जैसे ही आप ऊपर जाएंगे वो खाली जगह है, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा, आप किसी रश वाली जगह में भी जाते हैं तो पीछे से तो आपको बहुत रश नज़र आ रहा होता है, बट अगर आप ऑल द वे आगे चले जाएंगे तो अगली सीटें खाली होंगी, ठीक है। कभी ट्राई कर लीजिएगा। सो इसी तरीके से आपने अपनी प्रोफाइल को शेयर करना है और फिर थोड़ा सा सब्र भी करना है। ओके, डोंट गिव अप, कंटिन्यू वर्किंग ऑन दिस, कंटिन्यू मेकिंग दिस एफर्ट। जो पहला क्लाइंट आपको मिलेगा ना, चाहे वो आपको बेशक $10 वाला मिल जाए, आपको $50 वाला मिल जाए, आपको छोटा सा क्लाइंट मिल जाए, उसको छोटा ना समझें। दिस इज गोइंग टू बिल्ड एंड ऐड टू योर पोर्टफोलियो, और यही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। और ये बात याद रखें, पहला क्लाइंट इज योर 1 millionth क्लाइंट, ठीक है ना। तो पहला क्लाइंट ऐसा नहीं यार एक क्लाइंट मिल गया मैं क्या करूँ, छोटी सी जॉब थी कर ली, ठीक है, ऐसा नहीं है। थिंक ऑफ दैट क्लाइंट एज योर, यू नो, 1 millionth क्लाइंट। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो, ये टिप और टेक्निक अच्छी लगी होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने Upwork पे कैसे किया, और मैं बीच में दिखा भी रहा था आपको कि Upwork पे कैसे अकाउंट बना और मेरी अर्निंग्स क्या हैं। तो अब Upwork की चेंजेस में जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप स्पेशलाइज्ड आप अपनी स्किल्स देंगे। एक जनरल स्किल्स का टैब आ गया है और एक स्पेशलाइज स्किल्स का आ गया है, जो कि और भी अच्छा है, बिकॉज अगर आपको एक काम बहुत अच्छा आता है तो चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि आपको काम और मिले। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जनरल और स्पेशलाइज स्किल्स में Upwork में क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर यू कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन, ताकि अगली वीडियोस में मैं आपको इसी तरीके से टिप्स देता रहूं और मैं आपको साथ लेके चलूं, ताकि आपकी इस ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर जर्नी में या ऑनलाइन मनी मेकिंग जर्नी में मैं आपके साथ चलूं। वेलकम बैक। सो ये मेरी Upwork की प्रोफाइल है दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, एंड ऑल्सो दिखाऊंगा कि मैंने कितनी अर्निंग्स इस पर की हैं अब तक और कैसे मैंने स्टार्ट किया, ताकि आपका भी जो पहला स्टेप होगा वो इसी तरीके से शुरू होगा जिस तरह मैंने ये किया। तो दी प्रोफाइल इटसेल्फ इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आपने अभी तक नहीं बनाई तो आप upwork.com पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, सीधा प्रोसेस है। अगर आप जिस कंट्री में भी आप मौजूद हैं, वेदर इज यूनाइटेड स्टेट्स और वेदर इज पाकिस्तान और इंडिया, वेयर एवर यू आर, आप मेक श्योर करें कि उसी कंट्री का नाम लिखें। तो ये प्रोफाइल मैंने चूँकि पाकिस्तान में ही बनाई, लाहौर में, तो आई यूज्ड दैट एज वेल जैसे ही मैंने ये स्टार्ट किया। तो प्रोफाइल ऑफ कोर्स आप नाम देंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोफाइल दो किस्म की आप Upwork ने कर दी हैं, एक वीडियो प्रोडक्शन और एक जनरल प्रोफाइल। वेल दिस इज़ ए स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल। तो बेसिकली आपकी एक जनरल प्रोफाइल होगी, एंड देन अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप वीडियो प्रोडक्शन, बिकॉज मैं स्पेशलाइज कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर एरिया में, तो मैंने एक टैब क्रिएट किया और मुझे उसमें फिर मैंने डिटेल बताई कि आई टीच ओवर 1 million स्टूडेंट्स और 1000 से ज़्यादा मैंने कोर्सेज क्रिएट किए हैं ऑनलाइन और सो फोर्थ, राइट। तो मेरी जो स्किल्स और मेरी क्वालिफिकेशंस जो भी आपकी भी होंगी, आप इसी तरीके से अपनी स्किल्स का एक सिंपल, और इसको थोड़ा छोटा ही रखिएगा, कीप इट स्मॉल, बिकॉज लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरा एक पेज पढ़े आपका, राइट। सो जस्ट बी वेरी स्पेसिफिक, break into paragraphs, it's easier. Okay, तो जैसे ही आप ये बनाएंगे प्रोफाइल और नीचे आप देखेंगे कि जस्ट माई आवरली रेट, ये आप खुद सेट करते हैं। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा अपनी स्किल के मुताबिक आप अपना एडजस्ट करेंगे आवरली रेट। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या चार्ज कर रहे हैं, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप क्या डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। और इस स्पेशलाइज प्रोफाइल में मैंने $8,000 अब तक बनाए हैं, 10 jobs और 89 hours वर्क। दो तरह की जॉब्स होती हैं, आप पर आवर भी काम कर सकते हैं और आप पर प्रोजेक्ट बेस भी काम कर सकते हैं। टिपिकली ज़्यादातर जो मैं प्रेफर करता हूँ माई सेल्फ इज़ फिक्स प्राइस, यानी कि एक प्रोजेक्ट बेस पे। उसका फ़ायदा ये होता है कि मुझे एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है एज आई एम वर्किंग ऑन दीज प्रोजेक्ट्स। तो व्हाट आई वांट टू शो यू इज़, लेट्स स्क्रॉल डाउन एंड आपको सबसे पहले मैं नीचे लेके चलता हूँ ऑल द वे डाउन टू द स्क्रीन। तो आप देखेंगे कि कहाँ से मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया। सो आई स्टार्टेड इन 2014, जैसे कि बताया मेरी ये 5 साल की जर्नी है, 4 to 5 years। तो इनिशियली आई ओनली वर्क फॉर 30 hours, ये मेरी पहली जॉब थी इनफैक्ट। और इसका फीडबैक मुझे कोई जॉब का नहीं मिला क्योंकि मैं खुद भी नया नया था, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि किस तरह ये आगे चलते हैं अपवर्क पे। आप देखेंगे दूसरी जॉब भी मेरी छोटी सी जॉब थी, उसके बाद भी कोई फीडबैक उन्होंने नहीं दिया। सो देन आई डिड सम रिसर्च, ऑनलाइन गया, देखा लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली ऐसे ही आप सीखते हैं। तो देन आई रियलाइज कि यार आई नीड टू समटाइम्स व्हेन आई एम डन विद द जॉब, और अगर मैंने अच्छा डिलीवर किया तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूं कि फीडबैक करें। तो आप देखेंगे कि 3rd और 4th जॉब में उन्होंने फिर एक फीडबैक लीव किया। तो ये रिव्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट, दे आर इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप जो भी चीज़, आप नॉर्मली रूटीन में भी जो भी चीज़ खरीदने जाएंगे, दुकान पे भी जाते हैं तो आप देखते हैं यार ये किसी और ने खरीदी है कि ये नहीं खरीदी। आप अपने दोस्त से पूछते हैं कि यार ये कैसी जॉब है, ये कैसी शॉप है, ये कैसी प्रोडक्ट है, और आप खरीदते हैं। लाइकवाइज ऑनलाइन पीपल लुक फॉर रिव्यूज़, तो अगर आपका बेहतर रिव्यू है तो डेफिनेटली देखने वाला भी आपसे चीज़ें खरीदेगा एंड बाई योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो इसी तरीके से आप देखें कि रिव्यूज़ भी बेहतर आता है कि कुछ जगह पे आके एक्सीलेंट रिव्यूज सो फार, तो जो भी आपने जॉब की वो अच्छी ही डिलीवर की। अगेन ओवर डिलीवर, थोड़ा सा आपने एक्स्ट्रा चीज़ भी देनी है अपने क्लाइंट्स को। तो लाइकवाइज इस तरह आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड होता जाएगा। अगेन दिस टुक मी अबाउट 4 to 5 years, ओके। तो ये कल नहीं होने वाला, आपसे परसों नहीं होने वाला, जस्ट आपने हैव पेशेंस। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि जो भी आपने काम करना है, वट एवर इट इज़ दैट यू एक्चुअली डू, जस्ट मेक श्योर इट्स क्वालिटी वर्क, इट्स नॉट द क्वान्टिटी, इट्स नॉट द स्पीड, इट्स जस्ट क्वालिटी। अगर आप क्वालिटी डिलीवर करेंगे तो आप देखेंगे कि आप की जो सक्सेस रेशियो है वो बेहतर हो जाएगी एज कम्पेयर टू अदर इंडिविजुअल्स। तो ये सिंपली मेरी प्रोफाइल थी, वांटेड टू शेयर विद यू। अगर आप जनरल प्रोफाइल पे जाके क्लिक करेंगे तो इसमें थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा अपने बुलेट पॉइंट्स में एडिशनल चीज़ें डाली हुई हैं, बिकॉज दिस इज माई जनरल प्रोफाइल राइट, whereas video production is the specialized profile। और general profile पे आप देखें earnings भी show हो रही है, 10K I've earned $10,000 on the general profile area और 22 jobs and 410 hours worked। और मैंने एक video भी डाला हुआ है, तो this is good because अगर आपके पास कोई video content है आप वो provide कर सकते हैं, so that people can click on it and take a look at it and actually demonstrate। आप basically उनको show कर रहे हैं कि यार देखो ये मैं कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप फिर उनको YouTube की वीडियो या Vimeo की वीडियो आप डाल सकते हैं, ताकि वो फिर देख लें कि क्या आपकी इनफैक्ट स्किल्स हैं। वो आपको सुन भी सकते हैं, वो आपको देख भी सकते हैं, वो आपकी चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह से मेजर कर सकते हैं। तो आप वीडियो भी डाल सकते हैं, उसके बाद ऑफ कोर्स इसके अलावा फीडबैक हिस्ट्री फिर चलती रहती है। आप एक एजेंसी अकाउंट भी बना सकते हैं अपवर्क पे, सो नॉट जस्ट योर पर्सनल प्रोफाइल राइट हियर। फॉर एग्जांपल अगर आप कंपनी, आपकी एक कंपनी मौजूद है जो कि आस्ते आस्ते डेवलप होगी। ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड ऑफ माई सेल्फ, तो उसके बाद एक कंपनी बनी जिसका नाम क्लेडेस्क है, और अब क्लेडेस्क काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इज़ गुड, डूइंग गुड। तो ये फिर आप कंपनी भी बना सकते हैं जो कि एक अलहदा से इस पर काम करती है। तो इफ़ यू क्रिएट अ कंपनी दैन यू कैन वर्क ऑन बिहाफ ऑफ दैट कंपनी और दैट एजेंसी एज वेल। तो अगर आपका ये प्रोफाइल ज़्यादा बड़ा हो जाए तो फिर आप हायर भी कर सकते हैं इंडिविजुअल्स, यू कैन हायर अदर इंडिविजुअल्स and associate them with your company as well। तो ये अपवर्क का था। I just wanted to show you excellent platform, but what you need to do, जो मैंने आपको tips बताई हैं, जो strategies बताई हैं, make sure you follow those। अगर आप अपनी मर्जी करेंगे, इधर उधर घूमेंगे तो फिर डेफिनेटली वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने एक्चुअली अपनी साथ प्रोफाइल में किए और इवेंचुअली इट एक्चुअली वर्क्स। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द कंटेंट मेक श्योर यू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपकी स्किल्स क्या है। एंड आई विल गाइड यू विद द रिटन डॉक्यूमेंट। आई लाइक टू हेल्प पीपल, आई लाइक टू हेल्प ऑल माई स्टूडेंट्स, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं। अगर आपको ये लिखना नहीं आ रहा प्रोफाइल, ओके, तो जस्ट रीच आउट टू मी, कमेंट करें एंड आई विल हेल्प यू राइट दिस, ओके। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी वीडियो को देखे और जो भी हो वो ऑल्सो ना कि सिर्फ देख के सीखे, बट ऑल्सो आई कैन प्रोवाइड एन एडिशनल वैल्यू टू दैम, ओके। तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं।